दोस्तों, हालिया चंद बरसों में पाकिस्तान में बेशुमार ऐसी बुराइयां दाखिल हो चुकी हैं जिनकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। ऐसी ही एक बुराई जिंसी ज्यादती या गैंग रेप है, जो दिन ब दिन अपनी हदों को छूता जा रहा है और अब बिल्कुल मामूल बन चुका है। लिहाजा ऐसा ही एक अंदोनाक वाकया रावलपिंडी में पेश आया, जिसने ना सिर्फ इंसानियत की तजलील की बल्कि जिसने भी इस वाक्य के बारे में सुना वो कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, ये रावलपिंडी का वाकया है जिसमें ना सिर्फ एक औरत को दरिंदगी का निशाना बनाया गया बल्कि इसकी गोद में मौजूद 14 माह के बच्चे को भी इसकी माँ की आंखों के सामने बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इस औरत का नाम नसीम बीबी बताया जा रहा है, जो गदागरी के पेशे से ताल्लुक रखती है। कहा जा रहा है कि मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे पेट पालने की गर्ज से ये भीख मांगने के लिए निकली। अभी ये औरत अपने काम में मसरूफ ही थी कि अचानक इसके पास एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें एक अमीर ज्यादा शराब के नशे में इससे बातचीत करने लगा और भीख देने के बहाने से इस औरत के जिस्म के साथ छेड़छाड़ भी करता रहा। चूंकि ये औरत लावारस और एक गरीब बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती थी, इसलिए ये औरत इसे ऐसा करने से ना रोक सकी। जब उस शख्स ने देखा कि नसीम बीबी और उसके दरमियान कोई रिकावट नहीं, तो उसने नसीम बीबी के बाजू से पकड़ा और गाड़ी में बैठने को कहा और ना बैठने की सूरत में कत्ल करने की धमकियां देने लगा। लिहाजा इसी डर और खौफ की वजह से नसीम बीबी इसकी गाड़ी में बैठने को तैयार हो गई, और जैसे ही ये औरत इसकी गाड़ी में बैठी तो ये शख्स उस औरत को अपने साथ बदफेली कायम करने का कहता रहा और इसके बदले भारी रकम देने का वादा कर लिया। लेकिन इसके बेहद इसरार पर भी नसीम बीबी ना मानी और इससे मिन्नत समाजत करने लगी कि मुझे यहीं पर गाड़ी से उतार दो, मगर ये शख्स हवस में इतना पागल हो चुका था कि किसी भी सूरत नसीम बीबी के साथ बदफेली करना चाहता था। जब इसका कोई हरबा और दौलत शोहरत काम ना आई तो इसने पिस्तौल निकाल कर तान लिया और बात ना मानने की सूरत में मौका पर कत्ल करने की धमकी दी, और इसी कश्मकश के दौरान ये इंसान नसीम बीबी को अपने ठिकाने पर ले गया और अपने गार्ड्स की मदद से इसे एक कमरे में बंद कर दिया, जहां ये मुसलसल चीखती चिल्लाती रही लेकिन कोई भी इसकी मदद को ना आया। इसके बाद ये शख्स भी उस कमरे में दाखिल हुआ। इसके एक हाथ में शराब की बोतल और दूसरे हाथ में पिस्तौल था। इसने ज़बरदस्ती ये शराब नसीम को भी पिला दी, जिसके बाद वो नीम बेहोश हो गई। दोस्तों, याद रहे कि सारे अमल के दौरान इस औरत का 14 माह का बच्चा मुसलसल रोता और बिलकता रहा, लेकिन किसी को भी इस बच्चे पर तरस ना आया। और ये सफाक आदमी शराब के नशे में औरत को दरिंदगी का निशाना बनाता रहा, लेकिन दूर पड़ा 14 माह का बच्चा तड़पता रहा। अचानक इस दरिंदे नुमा शख्स को पता नहीं क्या सूझी कि ये इस बच्चे के रोने से तंग आ गया और इसने नसीम बीबी के सामने ही इसके बच्चे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। और जब बच्चे को कत्ल करने के बाद भी इसका दिल ना भरा तो इसने औरत को भी तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया और एक चाकू से नसीम पर तशद्दुद करने लगा, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी और लहू लुहान हो गई। ये सब करने के बाद मुजरिम तो मौका से फरार हो चुका था, लेकिन इस औरत के साथ इसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे इन्होंने देखा कि नसीम शदीद जख्मी हालत में पड़ी है, जबकि इसका बच्चा दम तोड़ चुका था, जिसके बाद एम्बुलेंस मंगवाई गई और इस तरह नसीम को इंतहाई जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ इसका इलाज पूरे एक दिन तक जारी रहा, लेकिन आखिरकार वो भी अपने बच्चे की तरह मौत के मुँह में चली गई। लिहाजा हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि ऐसे इंसान को ढूंढ कर इसे सजा दी जाए और हमारी माओ बहनों की इज्जतों को महफूज बनाया जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारी दीगर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मेरा नाम अली अकरम है और मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।